नाउ यू विल राइट अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में लिखोगे, ठीक है? तो आप खुद के बारे में लिख रहे हो ना, तो माई सेल्फ लिखोगे आप, माई सेल्फ, एम वाई एस ई एल एफ, माई सेल्फ, ठीक। सबसे पहले तो यू शुड टेल योर नेम, आपको अपना नाम बताना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस विल बी, पहला सेंटेंस क्या होगा, माई नेम इज, ठीक है? एंड हियर यू विल राइट योर नेम, यहां पर आप अपना नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइम माई नेम इज विदिशा, सो वॉट विल आई राइट, आई विल राइट माई नेम इज विदिशा। आपका नाम तनिषा है तो आप क्या लिखेंगे, माई नेम इज तनिषा, एंड देन यू विल पुट अ डॉट लाइक दिस। बेटा जब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा तो लास्ट में ऐसे आप फुल स्टॉप डालोगे, ठीक। देन सेकेंड सेंटेंस, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। बेटा हियर यू हैव टू टेल योर एज, यहाँ पर आपको आपकी उम्र बतानी है, आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, दैट यू हैव टू टेल, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? जैसे आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 29। अब यहाँ पर स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग क्या लिखोगे, मे बी यू आर 5 ईयर्स ओल्ड, आप लिखोगे 5, एफ आई वी ई 5। मे बी यू आर 6 ईयर्स ओल्ड, सो यू विल राइट एस आई एक्स 6। मे बी यू आर 7 ईयर्स ओल्ड, सो यू विल राइट एस ई वी ई एन, 7 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस विल बी, आई लिव इन दुर्गापुर। आप सभी तो दुर्गापुर में रहते हो ना, सो दुर्गापुर, आई लिव इन दुर्गापुर, अगेन फुल स्टॉप। जब भी सेंटेंस खत्म होगा यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, ऐसा डॉट बनाना है, आई लिव इन दुर्गापुर। फिर क्या होगा बेटा, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूं, इन क्लास 1। जैसे आप 1 लिखना चाहो, ऐसे ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, जैसे आप लिखना चाहो, ओके? चलो अब क्या करना है, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ योर स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है? तब फिर लिखोगे, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, नेम ऑफ माई स्कूल इज केंद्रीय विद्यालय CMERI दुर्गापुर, या फिर आप फिर से लिख सकते हो, आई स्टडी इन केंद्रीय विद्यालय CMERI दुर्गापुर, आई स्टडी इन केंद्रीय, याद रखना बेटा कैसे पढ़ना है, केंद्रीय, 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 ठीक है? बार बार आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सीख सकते हो, केंद्रीय, 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 ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, आई स्टडी इन केंद्रीय। विद्यालय, 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 कैपिटल में CMERI कॉमा दुर्गापुर। आई हैव, आपके जितने भाई बहन हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इफ यू डू नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर
अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, देन देर इज नो नीड टू राइट दिस सेंटेंस, तब इस सेंटेंस को लिखना ही नहीं, ठीक है। और अगर आपके भाई हैं तो आप कितना क्या लिखोगे, आई हैव वन ब्रदर या आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव थ्री ब्रदर्स, आपके जितने भाई हैं वो आप लिखोगे, ठीक है। और अगर बहन है तो क्या लिखोगे, आई हैव वन सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव थ्री सिस्टर्स, ठीक है। बहन भाई दोनों हैं तो लिखोगे आई हैव वन टू थ्री फोर, जितने भी आपके भाई हो तो आई हैव, मान लेते हैं टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, देन आई लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है, आई लाइक टू ईट, डैश मैंने डाल दिया। अब आप बताएंगे आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वॉट इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट खाना क्या है, आप वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक टू ईट केक, यू कैन राइट हियर आई लाइक टू ईट केक, ठीक है। इफ यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। इफ यू लाइक टू ईट चपाती एंड सब्जी, देन यू विल राइट आई लाइक टू ईट चपाती।